अगला क्वेश्चन आपका आता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। ध्यान दो, इसका एग्जांपल है, समझो इसे एग्जांपल। अब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, मान लो आपकी स्कोर अच्छा है, तो आपकी मम्मी ने आपको दिया 500 के लिए, जो आपने पार्टी कर लो। अब क्या होगा, यानी आपकी वॉन्ट्स क्या होगी, अनलिमिटेड होगी कि मैं क्या करूँ, ठीक है, केक लेके आऊँ कि टॉफी लेके आऊँ, और मैं चाहता हूँ अपने लिए कुछ ड्रेसेस लेना। तो ये क्या होती है, वॉन्ट्स हमारी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेस क्या है, ये सिर्फ 500 ही है। दैट मीन्स ये क्या है, रिसोर्स है। तो रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इसी की वजह से जो गैप अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझ में आ रही है कि मेरे पास रिसोर्स 500 है और मेरी विश क्या है, बहुत सारी, ठीक है, अनलिमिटेड है कि मुझे, ठीक है, अपने लिए कुछ ड्रेस भी लेना है, ठीक है, मुझे घूमने भी जाना है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। तो इसकी वजह से जो गैप आई हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक।